उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 239 नए मामले आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 4500 के पार पहुंच गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में 1, चमोली में 1, देहरादून में 58, हरिद्वार में 150, नैनीताल में 7, पौड़ी गढ़वाल में 4, उधमसिंह नगर में 13 और उत्तरकाशी में 5 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 4515 हो गई है। वहीं अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 212 हो गई है, बागेश्वर में 95, चमोली में 82, चंपावत में 74, देहरादून में 1107, हरिद्वार में 632, नैनीताल में 691, पौड़ी गढ़वाल में 186, पिथौरागढ़ में 80, रुद्रप्रयाग में 67, टिहरी गढ़वाल में 450, उधमसिंह नगर में 729, उत्तरकाशी में 110। और वहीं खबर आई है उत्तराखंड में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दो दिन झूम के बरसेंगे बदरा। तो उत्तराखंड में 20 और 21 जुलाई को हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगस्त और सितंबर महीने में मानसून चरम पर रहेगा। तो सूबे में मानसून रफ्तार पकड़ चुका है। प्रदेश की पहाड़ी और मैदानी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विज्ञान की माने तो प्रदेश में अगले दो दिन यानी 20 और 21 जुलाई को भी इसी तरह हल्की बारिश प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी जिलों में हो सकती है। और वही खबर है पिथौरागढ़ से, जहाँ पिथौरागढ़ महाविद्यालय को कैंपस बनाने के समर्थन में बीजेपी छात्र संगठन जता रहे हैं विरोध। तो पिथौरागढ़ महाविद्यालय को कैंपस का दर्जा मिलने पर सामाजिक, राजनीतिक और छात्र संगठन विरोध जता रहे हैं, जबकि बीजेपी कैंपस के पक्ष में नजर आ रही है। वहीं खबर आई है चाइनीज राखी को कहिए नो, इस बार कलाई पर बांधिए कुमाऊनी राखी। तो चंपावत की कुंजिका वर्मा हैंडमेड राखी बनाकर के कोरोना महामारी के दौर में घर से ही स्वरोजगार कर रही हैं और दूसरों को भी प्रेरणा दे रही हैं। इसी के साथ खबर आई है सांसद तीरथ सिंह रावत का चमोली दौरा, कर्णप्रयाग में कई सड़कों का किया शिलान्यास। तो गढ़वा सांसद तीरथ सिंह रावत ने रविवार को चमोली जिले की कर्णप्रयाग विधानसभा में करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 3 सड़कों का शिलान्यास किया है। और वहीं खबर आई है पुलिस चौकी के सामने फंदे से लटका मिला शव, युवक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। तो चमोली से खबर आई है जहां पर कर्णप्रयाग में नेपाली मूल के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं खबर आई है केदारनाथ से, जहां पर केदारनाथ धाम में पर्यटन सचिव के गर्भगृह में जाकर के पूजा अर्चना करने पर श्रद्धालुओं में रोष है। तो उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी तीर्थयात्री गर्भगृह में नहीं जा सकता है, लेकिन पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की, जिसका तीर्थयात्रियों ने विरोध किया है।